नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का जायजा लेने पहुंचे हैं। दरअसल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या आने वाले हैं। ऐसे में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से सरयू तट स्थित रामकथा पार्क पर 3 हेलीपैड को तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही रामपथ और भक्तिपथ को आकर्षक बनाने के लिए लाइट और सड़कों के किनारे फूल वाले पेड़ लगाए जा रहे हैं। इन्हीं तमाम कामों का जायजा लेने सीएम योगी अयोध्या पहुंचे हैं। उन्होंने पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजा अर्चना की और इसके बाद उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास भी नजर आए। सीएम योगी ने अयोध्या दौरे में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की प्रगति और दूसरे सभी विकास कार्यों का जायजा लिया। दरअसल राम मंदिर के उद्घाटन से पहले श्रीराम जन्मभूमि पथ भी यात्री सुविधाओं से लैस किए जाएंगे। साथ ही मार्ग के दोनों तरफ दीवारों को वैदिक पद्धति से GRS पैनल लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल श्रीराम एयरपोर्ट अयोध्या का मॉडल रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन से नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करेंगे। इस दौरान और भी कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। ऐसे में सीएम योगी हर काम पर अपनी बारीक निगाहें बनाए हुए हैं। प्रदेश के मुखिया लगातार अयोध्या में औचक निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के दौरे को लेकर अयोध्या जिले का पूरा प्रशासनिक अमला एक्टिव मोड में काम कर रहा है। सभी योजनाओं की 2400 घंटे निगरानी हो रही है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा परियोजनाओं को पीएम मोदी के आने से पहले पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। देश और दुनिया की तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।